नमस्कार जम्मू हंड से मैं रवि मिश्रा आज पहुंचा हूं जम्मू का पुराना बस स्टैंड और यहां पे पुराने वार्ड सचिवों की क्या मांग है इनको लेके हम चर्चा करेंगे आइए जानते हैं कि जितने भी यहां पे लोग जुड़े हुए हैं वो अपनी मांगों को क्या रखते हैं और किस तरह से अपनी बातों को रखते हैं सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि पूरे जम्मू जिला एक पंचायत के सभी पंचायत के वार्ड सचिव यहाँ सरकारी बस स्टैंड जम्मू में एकत्रित हुए हैं हम लोग का जो पुराना मांग है तेरह बारह दो हजार इक्कीस का जो हम लोग का आदरणीय जो पुराने जो पंचायती राज मंत्री का जो था लेटर उसको पुनः वापस किया जाए हम लोग गर्दनी बाग में पटना में कई आमरा आंदोलन करीब पंद्रह दिन तक कर चुके हैं उसके बाद फिर हम लोग जो है प्रदेश कार्यालय भाजपा का भी घर कर चुके हैं जो कि हमारे कई साथी नुकसान भी हो चुके हैं कपड़ फूटा बहुत मारपीट भी हुआ जेल भी गया है उस कारण से जो है हमारे जो है पूर्व में जो थे डिप्टी सी जो थे तेजस्वी यादव हम लोग को सुधी लिए और उन्होंने बताया कि मेरी सरकार बनेगी तो हम लोग का आप लोग को अस्थायीकरण के साथ साथ आप लोग को वेतनमान दिया जाएगा इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग का प्रदेश का कमेटी 25 आठ 2022 को उनसे मिलने के लिए पूरा टीम गया था उन्होंने आश्वासन दिया कि ठीक है आप लोग का मांग जायज है आप लोग का 10 से 12 दिन में आप लोग का शुद्धि लिया जाएगा इस कारण से हम लोग पूरे बिहार में अड़तीसों जिला में हम लोग बैठक कर रहे हैं कि हम लोग अब जागिए हम लोग का समय आ गया है हम लोग का आदरणीय तेजस्वी यादव जी बोले थे कि हम मेरी सरकार बनेगी तो जो दस लाख का जो हम लोग का है रोजगार का काम उसमें आप लोग का जितने भी हैं पंचायत वार्ड सचिव पुराना सबको अस्थाई और वेतनमान दिया जाएगा इसी उद्देश्य को लेकर आज हम लोग पूरे एक पंचायत के हर एक पंचायत के वार्ड सचिव इस बस स्टैंड में बैठे हुए हैं पहले उनका मैनोफेस्टो था कि हमारी सरकार बनने के बाद आपकी मांग को रखी जाएगी सुनी जाएगी तो क्या उनकी सरकार तो बन गई है लगभग तो ये बताइए कि उनकी सरकार बनने के बाद जो मांग उठ रही है क्या उनसे कोई वार्तालाप हो पाई है आपके किसी कमेटी का जी हाँ बिल्कुल 25 तारीख को हम लोग का प्रदेश कमेटी आदरणीय तेजस्वी यादव से मिले हैं और उन्होंने वचन दिया है कि हमने जो वादा किया था आप लोग के साथ कि मेरी सरकार बनेगी तो आप लोगों को अस्थाई और बेतन मान दिया जाएगा आज की मीटिंग से क्या मांग है और क्या उम्मीद रखते हैं हम लोग याद दिला रहे हैं आदरणीय तेजस्वी यादव को कि आपने जो हम लोग को साथ घोर अन्याय किया था पिछली सरकार जो हम लोग के साथी के साथ मारपीट किया गया था जेल में दे दिया गया था आपने आप आप आके आंख आंख से आंसू पोछा और बताया कि मेरी सरकार बनेगी तो लोग का सुधी लिया जाएगा आप लोग को अस्थाई किया जाएगा तो हम लोग फिर उनसे आग्रह करते हैं मांग करते हैं कि हम लोग का अस्थाई किया जाए और वेतन मान दिया जाए मैं परशुराम तांती जिला अध्यक्ष सचिव संघ जम्मू ये बैठक करने का मुख्य उद्देश्य हम लोग संगठन को मजबूती करने के लिए बैठक कर रहे हैं हम लोग पिछली बार जब हम लोग लगातार पटना में पंद्रह दिन हम लोग धरना प्रदर्शन किए उसके बाद सत्ताईस दिसंबर को हम लोग बीजेपी कार्यालय का घेराव किए कि हम लोग को कम से कम अनुभव के आधार पर रखा जाएगा लेकिन पिछली भाजपा की जो सरकार है जो एनडीए की सरकार थी हम लोगों पर बेरहमी से लाठी से पीटा गया और वाटर कैनन का प्रयोग किया गया जिसमें हमारे दर्जनों साथी घायल हुए और जब नया सरकार जो बना है उससे उसमें हम लोगों को आशा का किरण जगा है हम लोग को जब हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो बिहार के प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी ने यादव उसमें हम लोग से मिले थे और उन्होंने हम लोगों से वादा किया है कि अगर हमारी सरकार अगर बनती है तो आप लोगों को स्थायी करेंगे और वेतनमान देंगे और जैसे ही नया सरकार का गठन हुआ हमारे पूरे बिहार के एक लाख चौदह हज़ार वार्ड सचिव में एकदम खुशी से हम लोग झूम उठे हैं और हम लोग को पूरा उम्मीद है कि ये नई सरकार जरूर हम लोगों के साथ न्याय करेगी और हम लोग पुनः पूरे बिहार में अपने जिला बार हम लोग संगठन मजबूती कर हम लोगों का सबसे पहला मांग है तेरह बारह दो हजार इक्कीस का जो लेटर पंचायती राज विभाग से जो निकला था उसको वापस किया जाए और पुनः पुरा, पुराने वार्ड सचिव को अपने पद पर, पर पे रखा जाए हम यही मांग करते हैं सरकार से ये धरना प्रदर्शन जो हो रहा है या फिर जो ये मांग को लेके आप लोग यहाँ पे जुटे हुए वो और भी कई जगहों पे हो रहा होगा आ, ये सिर्फ जमुई जिला के लिए या फिर अन्य जिलों में भी इसक, इसकी मांग आ, काफी तेज गति से चल रही है ये जो है पूरे बिहार में पूरे बिहार में जिलावार बैठक चल रहा है इस बार हम लोग को उम्मीद का किरण जग गया है कि इस बार जरूर हम लोग को न्याय मिलेगा और हम लोग को पुनः अपने पद पर रखा जाएगा इसलिए हम लोग बैठक कर रहे हैं अगर अगर हम ये नई सरकार जो बनी है अगर हम लोग के साथ अगर अन्याय करती हो तो पुनः हम लोग पटना के गर्दनी बाग में उतरेंगे और इस बार जोरदार प्रदर्शन होगा जो पिछली बार जो प्रदर्शन हुआ था इससे भी जोरदार प्रदर्शन इस बार हम लोग पटना में करेंगे अगर वादा खिलाफी यह सरकार करती है तो पूरे बिहार में कितने वार्ड सचिवों की नियुक्ति हो सकती है अगर ये मांग पूरी कर ली जाए तो देखिए पूरे बिहार में हम लोग एक लाख चौदह हजार छह सौ इक्यानवे वार्ड सचिव हैं और सभी को ये उम्मीद जगा है कि ये सरकार जरूर हम लोगों के साथ ये न्याय करेगी